जो फाइव स्टार रैंकिंग के लिए क्या क्या उसमें चल रहा है? फाइव स्टार रैंकिंग में पूरे समग्र स्वच्छता के साथ साथ में हमारे जितने कम्युनिटी टॉयलेट हैं और पब्लिक टॉयलेट हैं उनको बेहतर करना, पहुंच मार्ग बेहतर करना, रोशनी पर्याप्त हो, बच्चों के लिए व्यवस्था हो, विकलांगों के लिए, दिव्यांगों के लिए व्यवस्था हो, इस प्रकार के सारे जो पैरामीटर्स हैं, हाथ धोने का साबुन हो वहाँ पर, रनिंग वाटर हो, 24 घंटे खुले हो, इस प्रकार की सुविधाओं के साथ साथ में पेट्रोल पंप वगैरह पे जो सुविधा घर है उनको भी आम पब्लिक के लिए खोलना है। इसके साथ साथ में हमारे जो गीला कचरा सूखा कचरा पृथक पृथक करके उसको प्रोसेस करना, गीले कचरे से खाद बनाना और सूखे कचरे की जो मटेरियल निकलता है उसको MRF बोलते हैं, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, उसके भी हमने टेंचिंग ग्राउंड पे व्यवस्था करी। सर कब तक इसके पूर्ण सभी जगह पूर्ण हो जाने की संभावना? हमारे जो शौचालय हम आप देख पा रहे हैं शहर में 15-16 जगह बन रहे हैं, वो लगभग 10 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। 15 दिन का टारगेट दिया था हमने, तो 10 दिन में अभी कंप्लीट हो जाएंगे, 5-6 दिन ऑलरेडी हो गया उसमें। और हम लोग बाकी चीज़ों में फोकस कर रहे हैं और हम लोग करीब करीब 20 तारीख बाद हमारी ऐसी स्थिति बनेगी, हमारी सर्वे टीम कभी भी आए तो हमारी सर्वे कर सकते हैं बेहतर स्थिति में। कि हमारे इसमें इनोवेशन नवाचार क्या आप कर रहे हैं, तो नवाचार के दिशा में हम लोग जो एक नवाचार कर रहे हैं वो वर्मी कंपोस्ट हमारे पुराने फिल्टर पे जो केचुए की खाद बन रही, दूसरा हमारा एक हर्बल गार्डन है सतपुड़ा कॉलोनी में तो उसको बेहतर कर रहे हैं, और भी हम लोग नवाचार में मटका खाद वगैरह तो खैर सभी दूर चल रहा, लेकिन हम काफ़ी कुछ इनोवेटिव अच्छा काम कर रहे हैं। मुलेवा जी, ये हर्बल गार्डन में क्या क्या किया जा रहा है? हर्बल गार्डन में हर्बल गार्डन बनाने के लिए नगर पालिका के द्वारा एक अच्छा कदम उठाए गए हैं, लेकिन उस कदम के साथ में थोड़ी कमियां हैं, उसको अगर पूरी कर दी जाए तो बहुत बढ़िया गार्डन हो जाएगा और बड़वानी के लिए एक मॉडल के रूप में साबित होगा ये हर्बल गार्डन। अच्छा कार्य किया जा रहा है, लेकिन साफ सफाई भी थोड़ी इसमें बढ़ा दी जाए तो और अच्छा रहेगा। नवीन शौचालय वगैरह के निर्माण भी करेंगे। फाइव स्टार रैंकिंग में आप क्या आपके हिसाब से कोशिश कर रहे हैं बड़वानी फाइव स्टार रैंकिंग में? बड़वानी को फाइव स्टार रैंकिंग में लाने के लिए मैं जैसे सतपुड़ा कॉलोनी का अध्यक्ष हूँ, तो मैं हमारी जो सतपुड़ा कॉलोनी विकास समिति है उसके द्वारा सतपुड़ा कॉलोनी में पूरी कॉलोनी की मतलब जो विकास समिति सफाई करवा रही है, और आज जो बड़वानी की जो सतपुड़ा कॉलोनी है वो पूरी तरह से साफ और स्वच्छ है, और पूरा प्रयास किया जा रहा है कॉलोनी की हमारी समिति के द्वारा बड़वानी की जो फाइव स्टार रैंकिंग के लिए जितनी मदद हमारी तरफ से हो सकती है हम कर रहे हैं। नाम आपका? राज बेग। बेग, तब ये स्वच्छता अभियान जो चल रहा है फाइव स्टार रैंकिंग के लिए किस तरीके की भूमिका निभा रहे हैं आप लोग? बोहरा समाज ये कह सकता हूँ मैं कि अग्रणी भूमिका निभा रहा है, क्योंकि सबसे पहले जो स्वच्छता का संदेश हमारे सैयद साहब ने चालू करा और उसकी तहत हमने विभिन्न प्रोग्राम भी करे हैं और विभिन्न प्रोग्रामों में हमने हिस्सा भी लिया है, सामाजिक स्तर पर ही साथ में अन्य समाज को भी साथ में लेके हम लोगों ने ये स्वच्छता अभियान के तहत चालू करा है, और हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा गाँव हमारा बड़वानी स्वच्छता अभियान में अच्छी से अच्छी रैंक में फर्स्ट नंबर पर आए।